सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फेक न्यूज के चलन पर चिंता जाहिर की। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाले बेंच ने कहा है कि कई बार ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांप्रदायिक रंग वाले ऐसे न्यूज फैलाए जाते हैं जिससे देश का नाम खराब होता है। निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के इकट्ठा होने के कारण कोरोना फैलने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने ये टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ रसूखदारों की सुनते हैं और उनका तो जुडिशियल संस्थानों के प्रति कोई उत्तरदायित्व भी नहीं होता है। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मैंने कभी पब्लिक चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब को जवाब देते हुए नहीं देखा और संस्थानों के प्रति इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं दिखी। अगर कुछ गलत लिखते हैं तो भी वो कोई जवाब नहीं देते। अगर आप YouTube चैनल पर जाएं तो आप देख सकते हैं कि फेक न्यूज चल रहा होता है। वेब पोर्टल कहीं से भी गवर्नर नहीं होता। न्यूज को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश रहती है और यही सबसे बड़ी समस्या है। इससे आखिर में देश का ही नाम खराब होता है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नए IT रूल्स सोशल और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है और रेगुलेट करने का प्रयास किया गया है। जो मुद्दे बताए गए हैं उसे ही रेगुलेट करने के लिए IT रूल्स बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि अलग अलग हाई कोर्ट में IT रूल्स को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने कहा कि अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग आदेश पारित कर रहा है। पिट में शामिल जस्टिस सूर्यकांत ने IT नियमों पर केंद्र की स्थानांतरण याचिकाओं के वर्तमान बेंच के साथ सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। याचिकाकर्ताओं को अपने प्रार्थना में संबोधन करने की छूट दी गई। मामले को 6 सप्ताह के बाद पोस्ट किया जाएगा। याचिकाओं में एक प्रतिवादी न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने पिट को बताया कि केरल हाईकोर्ट ने उन्हें नए IT नियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। रिपोर्ट।